सवा सात को सामने ले लो जी ये पलमारी में भी इसमें दवाई ना जी इसमें कुछ साहब के पास ही ये तो एक्सपायर दवाई इस पे क्यों ये पहली पड़ी साहब की सर इसका भी लेवल मान रखता है इसको लेवल है नहीं है डेट ही नहीं सब लोग ले नहीं डेट तो होगी वैसा ना रखी रखी मिट जाती है ये शिकायत भी की गई है कि नगर पालिका द्वारा जो है एक्सपायरी डेट की दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। मेरे द्वारा संबंधित कर्मचारियों से बात की गई, देखा गया मौके पे, उन्होंने कहा कि कोई एक्सपायरी दवाई हमारे यहाँ नहीं छिड़की जा रही है और कुछ दवाई कुछ बोतल पर प्रिंट नहीं है डेट का, इस वजह से वो एक भ्रम की स्थिति हो गई है, उसकी जाँच कराई जा रही है। मैंने जो है अपने स्टोर कीपर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवाई स्टोर में रखी है तो क्यों रखी है और उसको जो है निस्तारण उसका क्यों नहीं किया गया। और मैंने नगर पालिका मंगलौर के सफाई निरीक्षक को इसका जांच अधिकारी नामित किया गया है कि मुझे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दें और जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई, जो भी वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार अनुभागीय विभागीय कार्रवाई है वो तत्काल उसकी संतुष्ट करने के बाद मुझे प्रस्तुत करें, ता उनके खिलाफ अब जो भी दोषी पाया जाएगा उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है, सरकार ने जो पैसा दिया है नगर पालिका को कि अच्छी दवाई एक्सपायर वाली दवाई जिसकी डेट ना निकली हो भाई वो शहर में डालें, लोगों को परेशानी ना हो, कीटनाशक मर जाए, लेकिन यहाँ नगर पालिका में ऐसा हो रहा है एक्सपायर इसकी डेट ही निकल चुकी है दवाई की, उस दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को सही करने के बजाय और वो लोग बीमार हो जाएंगे, इससे मर जाएंगे लोग, जिसकी जिसकी दवाई जिसकी